झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां हाथों में बैनर लेकर अपनी मांग को रखते हुए अपने दर्द को बयां किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को विवश होंगे। मामला झांसी के मोर तहसील क्षेत्र के ग्राम से, जहां के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सन 1983 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों को वन विभाग की जमीन पर पुनर्स्थापित किया गया। जब से वो लोग रहते आ रहे हैं, वन विभाग द्वारा जमीन को खाली करने का फरमान सुना दिया गया और जब उनके आदेश को नहीं माना गया तो वन विभाग ने गांव को जोड़ने वाली सड़क पर खाई खोद डाली, जिससे न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और न मरीजों को अस्पताल ले जा पा रहे हैं। पूरा गांव कैद होकर रह गया है, ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है तो आगामी लोकसभा चुनाव का ग्रामीण बहिष्कार करेंगे। ग्राम पर्यचा है हम ये समस्या लेके आए कि वन विभाग द्वारा हम लोगों की पूर्वजों की रास्ता बीच रास्ता में से नाली खोद दी, ना कोई एम्बुलेंस निकल पा रही, ना स्कूल के वाहन निकल पा रहा है। हम लोग वहीं जहाँ थे वहीं कैद हो गए हैं। ये परेछा का है मामला, मोठ रेंज का। हम डीएम साहब के आए हैं, अब वो बोल गए एस डीएम साहब कि हम अभी बात करेंगे उनसे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं? नहीं, लोकसभा चुनाव का तो बहिष्कार करेंगे हम लोग। यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारे बूथ पे वोट नहीं पड़ेंगे। चंद्रवान सिंह यादव, किस गांव से आए और क्या समस्या है? ग्राम परेछा से। हमारे गांव में यानी मेन हाईवे से 4-5 गांव पड़ते हैं रास्ते में, तो वन विभाग वालों ने सारी रास्ता वहां से खोद दी गई है। अब अगर कोई बच्चा भी अगर बीमार हो जाए, अगर कोई डिलीवरी है तो वो भी रास्ता से नहीं निकल पा रहा है। अगर ये क्या नाम वन विभाग वाले सीधी एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से हटिए, यहाँ तुम लोगों को निकलने के लिए पैदल भी नहीं निकलने दे रहे हैं किसी को। हाँ, डीएम साहब के पास आप लोग एक पैनल लिए थे, उस पे लेके हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हो, नहीं तो वोट भी बूथ पर वोट भी नहीं पड़ेंगे। और वन विभाग वालों ने जितनी वो करी है रहने के लिए तो वहाँ भी बिनको भी नहीं निकलने देंगे। जो हमारे रास्ते से अगर वो पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो हम लोग नहीं निकलने देंगे।